चाहिए, पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक को कुछ कहीं भी मेरा नहीं है। कोई सॉलिड या लिक्विड वेस्ट गंगा जी में न गिरे, इस दृष्टि से नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी में गोएठा का यह एसटीपी भी है। ठीक है, 120 एमएलडी क्षमता के सेवर को शोधन करने की क्षमता, 118 करोड़ रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हो रहा है और 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको कुछ सिवर लाइन इसके साथ जुड़नी है, बनकर के तैयार हो जाएगा। हम ये मान करके चलते हैं कि इसके तैयार होने पर वाराणसी में गंगा जी की निर्मलता में एक बड़ा योगदान इस एसटीपी का होगा। साथ ही साथ काशी के विकास की धुरी बनने जा रही है काशी की रिंग रोड, जिसके प्रथम फेज का कार्य 30 सितंबर तक कंप्लीट होगा और उसके सेकंड और थर्ड सेकंड फेज के दो बड़े बड़े क्षेत्र इसमें ले जा रहे हैं, जिसमें एक 26 किलोमीटर का है, एक 17 किलोमीटर का है। ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहे हैं, इन सब का निरीक्षण करने और प्रधानमंत्री जी के आगामी विजिट में इनके लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारी की जा सके, इसीलिए आज हम इन सब कार्यों को यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। काशी का विकास काशी के अनुरूप आज दिखाई देता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण। काशी को वर्षों से इस प्रकार के विकास की उम्मीद थी और हम विश्वास करते हैं कि काशी के विकास के माध्यम से हम देश और दुनिया के सामने काशी की आध्यात्मिक, काशी की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के साथ साथ विकास के क्षेत्र में भी काशी ने दुनिया के तमाम सिटीज़ के साथ जो एमओयू किया है उस तर्ज पर हम काशी को भी विकसित करने में सफल होंगे।